बिजनौर के नहतौर थाना क्षेत्र के मोहल्ला पीर शहीद निवासी जमाल अहमद के 22 वर्षीय पुत्र मन बुद्धि शादमान को कुरेशिया के मोहल्ले में 5-6 कुत्तों ने जानलेवा हमला किया। सड़क पर शादमान का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक जब से प्रदेश सरकार द्वारा मीट बंदी हुई है, तब से शहर के कुत्ते खूंखार शेर की तरह मनुष्य पर हमला बोल रहे हैं। कुत्तों के आतंक से पूरे शहर में भय व्याप्त है। लोगों का कहना है कि अब बच्चों का अकेले स्कूल जाना खतरे से खाली नहीं है। मेरा कहना यह है कि ये जो घटना हुई है जमाल भाई के बच्चे के साथ, बहुत दुख भरी घटना है। कुत्तों का आतंक पूरे शहर में मचा हुआ है। इसके लिए जो ये बात है कि मीट व्यापारी ने जो अपना काम, या सरकार ने जो अपना मीट व्यापारी का काम बंद कराया है, उससे भी इस बात पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। क्योंकि कुत्तों की जो मेन वीज़ा है वो यही है, और उनको वीज़ा नहीं मिल पा रही है, तो वो छोटे छोटे बच्चों को देखकर उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। और कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो कुत्ते बच्चों पर हमला कर रहे हैं। तो मैं इसमें ख़ास तौर से ये बात कहना चाहूँगा और मजीद तौर पर, कि जब ये हमें मालूम है कि कुत्ते आतंक मचा रहे हैं, तो नगर पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन कुत्तों को पकड़कर बाहर जंगल में फेंका जाए। और DM साहब से आग्रह करूँगा कि वो समस्त जनपद के अध्यक्षों को ये आदेश पारित करें कि इन कुत्तों को पकड़वा कर जिले से बाहर फेंकवाए। आज जो नहटौर में ये हादसा हुआ है, ये बहुत ही दुख और बहुत तकलीफ दिलायक है। और पहले भी ऐसे बहुत सारे हादसे हो चुके हैं नहटौर में, और हमने नहटौर चेयरमैन को पहले भी आगाह किया था कि इन हादसों को रोका जाए और जो ये आवारा कुत्ते हैं इन्हें शहर से बाहर भेजा जाए। लेकिन नहटौर चेयरमैन के संबंध में बिल्कुल कोई बात नहीं आ रही है, और अगर हमें नहटौर चेयरमैन के खिलाफ हमें आंदोलन करना पड़ा तो हम आंदोलन करेंगे, और हम योगी सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे कि नहटौर में पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, और नहटौर का चेयरमैन जो है बिल्कुल इस तरफ बिल्कुल उसकी कोई तवज्जो नहीं है। उसकी तवज्जो सिर्फ घोटालेबाजों की तरफ है, घोटालेबाजी कर रहा है वो, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। उसने पहले बिन्नौर से विधानसभा का चुनाव लड़ा, वहाँ पर उसने अपना वक्त ज़ाया किया, अब उसका नहटौर तक कोई तवज्जो नहीं है। मेरी योगी सरकार से अपील है कि नहटौर को जो यतीम हो चुका है, नहटौर प्रशासनिक तौर पर जो यकीन यतीम हो चुका है, मेरी योगी सरकार से दरख्वास्त है कि नहटौर को देखें, क्योंकि नहटौर यतीम है आज पूरी तरीके से। यहाँ पर जो आवारा कुत्ते हैं उनकी वजह से कई बच्चे मारे जा चुके हैं। आज ये 22 साल का लड़का जिसकी मौत हो गई है, ये बहुत ही दुख और बहुत तकलीफ दिलायक है। और हम योगी सरकार से अपील करते हैं कि नहटौर को देखें, क्योंकि नहटौर के जो चेयरमैन है वो अपना विकास कर रहे हैं, और कुछ अपने चहेते जो उनके 2-4 ठेकेदार हैं उनका विकास कर रहे हैं। और हमारी दरख्वास्त है योगी सरकार से कि इसको अपने संज्ञान में लें और इसके ऊपर कार्रवाई करें।